हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हमारे साथ है राहत गुप्ता, जो कि आईआईटी जम्मू से पीएचडी कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या आईआईटी जम्मू के अंदर एंटर करने का पीएचडी का क्या प्रोसीजर है, और वहां का एनवायरनमेंट क्या है रिसर्च का, क्या रिसर्च वहां पर प्रेजेंट में अच्छे तरीके से चल रहा है, और कंप्लीट एक स्ट्रेटजी वहां पर किस प्रकार से होनी चाहिए नेट और गेट की, वो हम यहाँ पर राहत से डिस्कस करेंगे और बातचीत करेंगे। ओके, सो हेलो राहत, हाउ आर यू? हेलो भैया, आई एम फाइन, आप बताइए। आई एम गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड? ओके भैया, मेरी जो बैचलर्स है वो जम्मू से ही हुई है, गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज से, और जो मैंने मास्टर्स किया है वो भी जम्मू से ही किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। उसके बाद अब मैं आईआईटी जम्मू से पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। ओके। तो सीएसआई नेट जीआरएफ और गेट क्वालिफाइड? हाँ जी, कौन कौन सा? 2020 गेट क्वालिफाइड था, पहले 2019 दिसंबर वाला सिर्फ नेट हुआ था। तो अभी जब जून 2020 वाला सीएसआईआर हुआ तो उसमें जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ। ओके, वेरी गुड। तो ये आईआईटी जम्मू में जो एंटर लिया वो किसके थ्रू लिया था, गेट के थ्रू या जीआरएफ के थ्रू? पहले तो गेट के थ्रू मिला था और मोस्टली नेट भी था, तो उनके कंबाइंड बेसिस पे उस पे सिलेक्शन हुआ था। ओके। तो मतलब नेट जो आपका 2019 था प्लस गेट? हाँ जी, दिसंबर 2019 वाला। ओके। और उसके साथ में गेट 2020 वाले के साथ में आपने एडमिशन लिया है? हाँ जी। तो जीआरएफ उसके बाद हुआ है? जीआरएफ उसके बाद हुआ, अभी जब नवंबर 2020 हुआ था, जो जून वाला एक्सटेंड हो गया। ओके, जो डिले चल रहा था तो उसमें जीआरएफ। ओके, उसमें जीआरएफ हुआ है। ओके। सो एक रिसर्च इंटरेस्ट किस में है आपका? मेरा इंटरेस्ट है ऑर्गेनोमेटालिक्स में मोस्टली। ओके, ऑर्गेनोमेटालिक्स में, उसी में आगे। ओके, तो बेसिकली आईआईटी जम्मू के लिए क्या प्रोसीजर रहता है पीएचडी के लिए कंप्लीट? सी भैया, जैसे बाकी आईआईटीज में रहता है सेम प्रोसीजर है, पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो उसके बेसिस पे जैसे आप नेट या गेट क्वालिफाइड हो तो आपको एक पर्टिकुलर रैंक वो मेंशन करते हैं कि गेट का इतने मतलब इस पर्टिकुलर रैंक तक अगर आप हो तो आप उसके लिए आप वो फॉर्म भर सकते हो। और मतलब अगर आप सीएसआईआर जीआरएफ हो या अगर आपका नेट भी क्लियर है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे पहले वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म लगते हैं। और उसके बाद सेम जैसे आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, कॉल लेटर आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर वो इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर जो उनको लगता है कि जिसका इंटरव्यू अच्छा होता है तो उसके बेसिस पे वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं उसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिकमेंड करते हैं वो? भैया देखो, सबसे पहले तो वो आपसे एमएससी के एक पर्टिकुलर मार्क्स बोलते हैं, जैसे 55% से अबव ही होने चाहिए। एक सीजीपीए मेंशन किया होता है उन्होंने हमेशा कि अगर आपकी सीजीपी यहाँ तक है तो ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ वो मेंशन करते हैं कि एटलीस्ट आपकी एक ना एक चीज होनी चाहिए क्वालिफाइड, जैसे नेशनल लेवल एग्जाम कोई भी, चाहे वो गेट हो चाहे वो नेट हो। ओके। उसके अलावा ऐसा कुछ रिसर्च इंटरेस्ट वो आपसे पहले पूछते हैं? हाँ, रिसर्च इंटरेस्ट में वो पूछते हैं कि अगर आपको मतलब सबसे पहले तो आपको पूछते हैं कि मेन इंटरेस्ट आपका किस में है, तो वो दो तीन ऑप्शन होते हैं एक्चुअली वहां पे जो आपको फिल करने होते हैं, आपकी प्रेफरेंस किस में है ज्यादा। ओके। तो वो कंप्लीट जो प्रेफरेंस अपन भरते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने को शॉर्टलिस्ट करते हैं उसी एरिया में? हाँ जी, मतलब शॉर्टलिस्टिंग जो करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि आपके मतलब क्वालिफाई आपने कौन सा एग्जाम किया हुआ है, आपके मार्क्स किस बेसिस पे है, और फिर जब इंटरव्यू होता है तो वो उसमें पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेंस किस में है। सपोज जैसे मैंने बोला था ऑर्गेनोमेटालिक्स, तो फिर वो फैकल्टी ऑर्गेनोमेटालिक्स के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है कि आपको जिस फील्ड में आपने रिसर्च करना है आपको उसकी नॉलेज कितनी है। ओके। तो ये जो अपन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसी वक्त आपसे एसओपी भी इन्होंने रिकमेंड करवाई, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके
उसमें आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट को लिखा होगा ना कि हाँ ये मुझे इस हमें एरिया मेंशन में किया है। इंटरेस्ट हाँ है। जी जी उसके बीच में मेंशन करके दिया था कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं क्यों इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ होगा, तो हाँ जी। पैनल में कितने कैंडिडेट थे? पैनल ने आई थिंक उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो 15-16 कैंडिडेट्स थे। ओके ओके। और फैकल्टी कितने थे जब आपका इंटरव्यू चला, तो सेक्रेटरी फैकल्टी कितने थी? उस टाइम पे 6-7 फैकल्टी मेंबर्स थे वहां पे जिन्होंने इंटरव्यू लिया ओके ओके। तो सभी ने क्वेश्चंस पूछे थे या फिर पर्टिकुलर कुछ था। है? हाँ हाँ क्योंकि ऑनलाइन था ना, बेसिकली उस टाइम पे भी लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ तो एक एक करके सभी ने क्वेश्चंस पूछे थे। ओके। तो आई थिंक टाइम तो काफी हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस याद है तो बताओ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से। सभी सभी क्वेश्चंस में बताता हूँ। मतलब बेसिक स्टार्ट करते हैं, वो बेसिक जैसे पहले पूछेंगे कि रिसर्च इंटरेस्ट, तो फिर वो उसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज जैसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक सा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स को, मतलब इस केमिस्ट्री को ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्यों नाम दिया गया, तो पहला क्वेश्चन वो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो यस फिर वो यस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग लाइक देयर इज अ कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, तो हम उसको ओके। विल्किंसन कैटलिस्ट को क्यों ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में इंक्लूड करते हैं जबकि उसके बीच में मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड तो है ही नहीं है। तो बिल्कुल ये तो देखो, एक इजी सा क्वेश्चन है जो हर बुक में सबसे पहले यही मेंशन किया होता है कि क्यों इसको हाँ इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही लेवल अप हुआ तो उन्होंने जीसी सॉल्ट पे पूछना शुरू कर दिया कि जैसे जीसी सॉल्ट एल्कीन के साथ जब बाइंड करता है इथिलीन के साथ तो उसमें सिग्मा बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और तो सिग्मा बॉन्डिंग जैसे मैंने बताया कि कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि पाई बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर घुमाते ओके घुमाते ओके वो बहुत डीप चले गए उसमें कि पाई बॉन्डिंग किस तरह से होती है, कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है उन्होंने पूछा था कि हाँ कि अगर आप रिडक्टिव एलिमिनेशन करवा रहे हो, सपोज आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन है और अगर आपके पास माइग्रेटरी इंसर्शन है तो आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करते हो, कौन सी रिएक्शन किसके ऊपर प्रेफरेंस देती है आपकी, तो ये एक तरह का यस क्वेश्चन था। फिर आगे चल के उन्होंने कपलिंग रिएक्शंस पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, और बेसिकली क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू था तो उन्होंने कहा कि कॉपी पेन साथ में रखना क्योंकि उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए दिए थे, तो उन्होंने वो रिएक्शंस करवाई कपलिंग रिएक्शंस के क्या प्रोडक्ट बनेगा और ये किस तरह की कपलिंग रिएक्शन है, इसमें क्या रिएजेंट यूज हो रहे हैं। और मेन चीज है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हर इंटरव्यू में पूछते हैं क्योंकि आपका रिसर्च बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो ओके स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो फिजिकल हो चाहे आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, तो वो अगर आप एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो आपका हाफ ऑफ द इंटरव्यू मोस्टली इजिली हो जाएगा। यस यस डेफिनेटली। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी उन्होंने मुझे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया था, उन्होंने बोला कि एक नाम बोला, उन्होंने कहा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसके बेसिस पे उसका एच एन एम आर सी एन एम आर वो सारा पूछा कि इनकी पीक्स जो आएंगी वो एच एन एम आर में किस डेल्टा वैल्यू पे आएंगी और सी एन एम आर पे हाँ किस वैल्यू है, तो वो सारे क्वेश्चन वो पूछना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो कि अपने को कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मस्ट नीड होती है एक्चुअली में। हाँ तो क्योंकि कोई इसी के भी बेसिस चीज, पे आपका रिसर्च होगा। हाँ क्योंकि कंप्लीट रिसर्च उसी पे चलता है, हाँ जी विदाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी आई थिंक मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, चाहे हम कितना ही रिसर्च कर लें। जी आपका थ्योरी, जब आप थ्योरी अलग चीज है लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करो इन यस स्पेक्ट्रोस्कोपिक या किसी भी टेक्निक के बेसिस पे तो वो वैलिड ही नहीं होती। तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल मतलब चाहे आप कहीं भी इंटरव्यू दो तो मेन चीज है कि अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज है तो इंटरव्यू में थोड़ा इजी हो जाता है वो इंटरव्यू देना। ओके ओके ओके। तो आईआईटी जम्मू के अंदर केमिस्ट्री की फैकल्टी कैसी है? केमिस्ट्री की फैकल्टी मैं कहूंगा अच्छी है, जहां तक मैंने इंटरेक्शन की है उनके साथ तो सभी ओके अच्छे ओके हैं। ओके ओके ओके। तो वहां पर कंप्लीट एरिया चलता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल वगैरह सब? अभी तक जो क्योंकि आईआईटी जम्मू जो है वो 2017 में स्टैब्लिश हुआ है, तो जो पहले दो लैब्स बनी थी वहां पर
वो थी ऑर्गेनिक की और सेकंड थी इनऑर्गेनिक की। तो जो वहां और जो बाकी अभी लैब है वो स्टार्ट हो जानी थी मई में, जो ओके अभी स्टार्ट हुई थी, बट लॉकडाउन चल रहा है तो वो एक्सटेंड हो गई। अब आज यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन है लॉकडाउन में, तो मे बी वो एक दो दिन में उसको स्टार्ट कर देंगे। ओके 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 सो लैब की फैसिलिटी कैसी है वहां पर? मतलब भैया लैब की आपको बताऊं मैं, जैसे बाकी आईआईटीज में है तो जम्मू, जो जम्मू आईआईटी जम्मू है क्योंकि थर्ड जनरेशन आईआईटी है, तो जो उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी है वो आईआईटी जम्मू ही है। ओके ओके तो ओके जैसे फैसिलिटीज आपको बाहर जैसे बाकी आईआईटीज में मिलेंगी, सेम फैसिलिटीज यहाँ पे है। अच्छा, मतलब सारे इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल है जो अपने को जी नीडेबल है। हाँ, सारा एचएनएमआर हो गया, एक्सआरडी हो गया, सैम टैम सारे अवेलेबल है। ओके ओके ठीक है। ओके सो आपने मतलब गेट क्वालिफाइड किया है और नेट जीआरएफ भी क्वालिफाइड, तो नेट जीआरएफ आपने मतलब रिसर्च के ड्यूरेशन में किया है, तो उसका क्या प्लान जी था, किस प्रकार से स्ट्रेटजी? भैया स्ट्रेटेजी तो कोई नहीं थी क्योंकि पहले नेट हो गया था, तो इतना ज्यादा मुझ पे कोई प्रेशर था नहीं कि हाँ अब ये बिल्कुल करना है। बट हाँ, ये थी एक चीज कि अगर कोई चीज स्टार्ट की है मतलब बिगनिंग से, तो अब उसको एक खत्म भी करना है, ये नहीं कि बिल्कुल जेआरएफ बीच डेफिनेटली में ही अटक। हाँ तो उसके बाद अब कोर्स वर्क जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा हेक्टिक था कोर्स वर्क के साथ ये अपना जेआरएफ कंटिन्यू करना। बट ये था कि मोस्टली हुआ क्या कि जब मैंने कोचिंग ले भी ली उसके बाद, जब मैं मेरी पीएचडी में एडमिशन होगी तब भी मैं चाहता था कि जेआरएफ हो जाए किस तरह से, तो फिर लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि कोर्स वर्क अपना इतना काम रहता है, वो बिल्कुल रोज के बिल्कुल असाइनमेंट सॉल्व करना, उनको सबमिट करवाना। तो मैं हमेशा देखता था कि कोई ना कोई ऐसी मतलब सपोज जैसे टेलीग्राम पे कोई चैनल हो जाए, मुझे मिल जाए कि जहां पे मुझे क्वेश्चन सर्च ना करने पड़े, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन खुद अपलोड कर रहे हो। हाँ तो बिल्कुल फिर जैसे मैंने टेलीग्राम पे ज्वाइन करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कोई ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे द अलकेमी जो आपका चैनल है वो मिला वहां पर। तो उसके थ्रू मैंने व्हाट्सएप भी ग्रुप ज्वाइन किया। फिर जैसे आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जो menti.com पे होती थी, यस 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 तो इतना मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं वो बुक्स पढ़ूं अब, यस लेकिन यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, तो उसको करने की जरूरत नहीं थी। और उस एक टाइम था कि वो इतनी बार सॉल्व हो चुके थे कि मुझे आंसर याद थे उसके, तो मैं या चाहता था कि नए क्वेश्चन ऐसे आए कि मुझे थोड़ा सोचना पड़े और ये ना हो कि मैं सारी बुक्स पढ़ते ही रह जाऊं, मेरा कोर्स वर्क भी रह जाए और जेआरएफ भी ना हो। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने जैसे वो टेस्ट सीरीज जैसे ही वहां पर डाली उसमें सारे नए क्वेश्चंस थे, चाहे वो हाँ इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, चाहे वो ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, तो उससे यस मुझे यस काफी हेल्प मिली। इवन कोचिंग लेने के बाद भी मैं चाहता था कि मतलब कोई ऐसा सोर्स हो जहां से मुझे सिर्फ क्वेश्चंस मिले और मेरे को सारी बुक्स ना पढ़नी पड़े, तो वो जो हेल्प थी वो आपके चैनल से आई, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल का मेन मोटिव यही है कि क्वेश्चंस के थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाए ताकि मैक्सिमम आदमी कैचअप कर सके स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल भैया, अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो सारी बुक्स को एक हाँ पढ़े, क्योंकि पैटर्न किसी भी बुक्स को प्रॉपरली पढ़ना इतना कम टाइम में बहुत टिपिकल काम है, तो उसको क्या है जी। क्वेश्चन फॉर्म में डिजाइन करके यदि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए तो वो इजी हो जाता है उनके लिए, तो वो कोशिश जी रहती है और थोड़ी। जैसे आप लाइव सेशन यूट्यूब पे भी चल रहा होता था और menti.com पे आंसर और नीचे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होते थे, तो उससे यस काफी यस हेल्प हो जाती थी, बुक्स नहीं ढूंढनी पड़ती थी उन कंसेप्ट्स के लिए, तो इजीली सारा कुछ पहले से ही एक्सप्लेन होके आ रहा था, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत हेल्प हुई उसमें। हाँ, वो यही कोशिश थी कि एग्जाम के ड्यूरेशन के टाइम हमने इसलिए उसको स्टार्ट किया था कि भाई एग्जाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन, एक बार कंप्लीट सिलेबस का हो जाता है क्वेश्चंस के थ्रू, तो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, और एक कंपटीशन का माहौल भी वहां पे रहता है हाँ वो कि एक बिल्डअप हो जल्दी जाता है कि आंसर करना हाँ है। एक एग्जामिनेशन वाला एक एग्जामिनेशन हॉल वाली थिंकिंग दिमाग में आ जाती है कि हाँ उस तरीके से जी प्रिपरेशन, तो बिल्कुल वो सब चीज एक आदमी को उस एनवायरमेंट में आदमी को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके सो अभी पीएचडी स्टार्ट हुआ है, तो पीएचडी का क्या, पीएचडी के बाद का क्या प्लान है तुम्हारा? भैया, ये तो एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, पीएचडी के बाद का क्या प्लान है। मतलब ट्राई करूंगा कि मैं पोस्ट डॉक के लिए ही जाऊं, कि अगर मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो फिर उसको अच्छी तरह ही करना चाहिए। अगर आप एक रिसर्च के फील्ड में हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिसर्च ही परस्यू करूँ आप। यस यस बट ये है कि ऑब्वियसली बात है पीएचडी के बाद मैं पहले जॉब के लिए अप्लाई करूंगा कहीं अगर यूनिवर्सिटी में,
बट इन केस अगर मेरा रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर पोस्ट डॉक। ओके ओके ओके, पोस्ट डॉक मतलब दिमाग में है अभी पिक्चर, नेक्स्ट आगे प्लान। जी, जैसे मैं पहले एम्बेसी में गया था तो मुझे नेट या ये गेट क्वालिफाई करना ऐसा कुछ नहीं था, फिर मैंने देखा कि वहां पे सारे कर रहे हैं, तो एक हाँ ऑटोमेटिकली वो माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि नहीं हमें भी ये करना है। बिल्कुल तो अब बिल्कुल, जैसे मैं पीएचडी में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि सारे रिसर्च में है, तो कहीं तो पोस्ट डॉक के लिए भी जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक माइंड में परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है कि नहीं अब हमें भी यही करना है, क्योंकि अगर एक चीज कर रहे हो तो उसको अच्छे से करना, फिर या तो बिल्कुल करो ही बिल्कुल, मत या तो अच्छे से हाँ करो। बिल्कुल, क्योंकि टाइम और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसर्च में बिल्कुल 5 साल देना और उसका फिर आउटपुट 0 आना लास्ट में, केवल एक डिग्री लेना इज बिल्कुल नॉट गुड। तो ओके, जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट माय क्वेश्चन ये था कि कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि रिसर्च ड्यूरेशन में ही वो रिसर्च में ही कंटिन्यू रखें, या साथ में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी यदि आ रही हो तो उसको भी साथ में लेके चले, तो इसमें क्या तुम्हारा सोच है? भैया मैं पर्टिकुलरली ये सोचता हूँ कि अगर आप एक चीज कर रहे हो तो फिर आप उसी में लगे रहो, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजों में स्ट्रैडल करना शुरू कर देते हो ना तो फिर आपका एक जो एक माइंड है ना वो एक जगह पे फोकस नहीं होता है। अब सपोज मैं नहीं कह सकता कि सबके लिए ये सही है, जैसे मैं पर्टिकुलरली किसी दो चीजों पे एक टाइम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। मतलब अगर सपोज अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो आई वुड प्रेफर कि मैं रिसर्च में ही ज्यादा अच्छी तरह करूँ, कि वो रिसर्च जो मैं कर रहा हूँ वो एक इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, एक सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए जो मेरी रिसर्च हो रही है, और वो रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक पीएचडी की डिग्री लेकर निकल जाऊँ। पीएचडी की डिग्री लेनी है तो फिर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, आप वहां पे चले जाओ तो आपको पीएचडी की डिग्री इजिली मिल जाएगी, बट डेफिनेटली पीएचडी में आना तो फिर अगर आप आए हो तो फिर ऐसा काम करो कि मतलब वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, आपके करियर के लिए भी हेल्पफुल हो, और चाहे वो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप पीएचडी में आगे और आप डिग्री लेके निकल दो। हाँ, समथिंग न्यू करने का, इनोवेटिव करने का सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आजकल सभी मतलब ये सोचते हैं कि पीएचडी करना मतलब इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट मैं वो नहीं सोचता। ये माइंडसेट मैं हो सोचता हूँ गया कि है अगर आप समथिंग। बिल्कुल, तो अब जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था तो अगर रिसर्चर्स ही नहीं होते तो ये कहाँ से लाते वैक्सीन। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, फैक्ट तो वाला। अगर तो ये जो माइंडसेट बन गया सबका कि पीएचडी नहीं मतलब पीएचडी इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई डोंट एग्री टू दैट। या बट अकॉर्डिंग टू सब मी आई थिंक रिसर्च फील्ड आगे आने वाले समय के लिए बहुत ब्राइट होने वाला है। बिल्कुल भैया, क्योंकि ये सारी मतलब इवन अगर आपको बोलना हो कि अगर आप एक दवाई सिंपल सी पैरासिटामोल भी बनाना चाहते हो तो वो आप कहाँ से बनाओगे जब तक रिसर्चर्स ही नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो मतलब जिस काम को पहले कर रहे हो उसको कंप्लीटली फोकस होकर के करना चाहिए और बेस्ट तरीके से करने का सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, मेरा तो यही गोल रहता है कि आपका पहले ये गोल होना चाहिए, आप उसको कंप्लीट करो फिर आप नेक्स्ट गोल की तरफ जाओ। अगर आप बहुत सारी चीजें सोचते रहोगे तो वो सारी टैंगल हो जाएंगी, फिर आप किसकी तरफ अप्रोच करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। सो ये नेक्स्ट, आईआईटी जम्मू का जो कैंपस है वो कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है कैंपस का? कैंपस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेन कैंपस है वो जम्मू से दूर है, मतलब मेन सिटी में नहीं है वो कैंपस, ओके वो जम्मू से तो कोई अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 20 किलोमीटर दूर होगा जम्मू से, और वो जगती में है। वो एनवायरम वहां पे क्योंकि वो हिली एरिया थोड़ा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे काफी अच्छा है, और एक व्यू जो है वो भी बहुत अच्छा आता है, हाँ तो वो थोड़ा तो सूदिंग है, सा भी हो जाता जम्मू है। के नाम से ही आप आदमी हिली को दिखता है कि हरियाली वगैरह, तो बिल्कुल एकदम ग्रीनरी वगैरह बहुत शानदार होगा। और जहां तक अभी प्रपोज्ड है अप टू 2014 तक जो आईआईटी जम्मू होगी वो इंडिया की लार्जेस्ट आईआईटी होगी। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ओके ओके। सो एक छोटा सा सवाल ये है कि नेट क्वालिफाइड ऑलरेडी दिसंबर 2019 में था, 25 रैंक के साथ आई थिंक। जी जी भैया, ओके, उसके बाद जब जीआरएफ की प्रिपरेशन करी तो उस ड्यूरेशन में एक्चुअल में प्रॉपर एकदम कौन सी बुक को पढ़ना और किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ठीक है, कॉन्फिडेंस था कि आई ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट, तो जी वो एक कॉन्फिडेंस रहता है पेपर ड्यूरेशन में तो। बट पेपर के अंदर स्ट्रेटजी क्या थी, जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तब एकदम स्ट्रेटजी क्या थी? भैया, आप स्ट्रैटेजी अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं ऐसा कोई स्ट्रैटेजाइज करके नहीं जाता हूँ कि मुझे ये करना है कि ये करना है,
क्योंकि मैं जैसे भी सोचता हूँ कि मुझे इतने मार्क्स करने हैं, उतने मार्क्स कभी अचीव नहीं होते हैं। हाँ आप घर वो से है। सोच के जाओगे, आप 170 का करके जाओगे, तो वो मतलब मेरे ख्याल से वो सोच के जाना, घर से स्ट्रेटेजाइज करके जाना इज अ बिग थिंग। आप बिल्कुल वहां पे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल नहीं पता होता कि वहां पे क्वेश्चंस का लेवल टफ आएगा कि इजी आएगा, बिल्कुल 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 तो हाँ स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको अपना माइंड स्ट्रेस फ्री रखना है वहां पे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जस्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगर आप उसी पे स्टिक करते जाओगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 3 आवर्स का, और उसके बीच में आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और वही मार्क करने हैं जो आपको लगता है कि आप ये डेफिनेटली कर सकते हो और ये एक्यूरेट होंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ओके होते हैं, आपको उनके दो दो ऑप्शंस पता होते हैं कि ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो फिर। तो बिल्कुल ये सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको लगता है कि नहीं, ये आप एक्यूरेटली 100% करोगे और ये ठीक ही निकलेगा आंसर, ये गलत नहीं हो हाँ सकता, बिल्कुल चाहे आप कॉन्फिडेंटली कम। होकर ही करना है सबमिट। बिल्कुल ये नहीं मतलब जो ये सोच के जाते हैं कि हम इतने मार्क्स का करके आएंगे, तो मुझे तो वो लगता ही नहीं है कि मतलब हो सकता है उनको, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो वो सोच सकते हैं कि मैं इतने मार्क्स करके जाऊंगा। बट मैं पर्टिकुलरली सोचता हूँ कि चाहे आप कम करो, लेकिन उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो कि जो आपके एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल JRF ही क्वालिफाई करना है। तो क्वेश्चंस वो करो जो आपको आते हो और जो आपको लगे कि ये हाँ ये 100% एक्यूरेट होने वाला है। ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे आप एक उस चीज में लग जाते हो ना कि अब आपको इतने मार्क्स का टारगेट अचीव करना है, तो कितने क्वेश्चंस तो आप गलत ही करना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो एक माइंडसेट में आपने पहले से रखा होता है कि इतने बिल्कुल मार्क्स का टारगेट अचीव करना है। तो वो चीज मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि चाहे आप प्रिपरेशन कम करो, चाहे आप लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ो, लेकिन उनको इस तरह पढ़ो कि चाहे उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट करो और वो एक्यूरेट होना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है तुमने। ये फैक्ट है कि मतलब क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करने हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आपको श्योरिटी के साथ लगे कि हाँ दिस इज 100% करेक्ट। बिल्कुल ओके एक क्वेश्चन ये भी था, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि गेट और नेट क्वालिफाइड है सिंपल और गेट में अच्छा रैंक भी नहीं है, तो हम यदि IITs के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल भैया, क्योंकि मेन चीज देखिए, जब आपका इंटरव्यू होता है, जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात, अगर आपका नेट गेट क्वालिफाइड है तो आपको शॉर्टलिस्ट तो करेंगे ही, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही बेसिक यही होती है कि एटलीस्ट आपका एक नेशनल एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही, क्योंकि मेन चीज जो इंटरव्यू में होती है वो ये नहीं देखते हैं कि आपको नॉलेज है इस सब्जेक्ट की कि नहीं, क्योंकि उनको पता है आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको यस एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो होगी। गेट में देखो, अगर आप रिसर्च में जा रहे हो तो बेसिकली उनका मोटिव होगा कि देखना कि, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे डायरेक्ट कि आप इजीली आंसर कर पाओ, वो तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे ही, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप उस टाइम पे प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली अल्टीमेटली जब आप रिसर्च में जाओगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन योर रिसर्च, व्हेन योर रिएक्शन विल नॉट गेट कम्प्लीटेड, व्हेन योर रिएक्शन वोंट वर्क आउट, तो वो उस टाइम पे वो देखना चाहते हैं कि अगर आपकी रिएक्शंस काम नहीं कर रहे तो आर यू एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, एक रिसर्च में आने का तो उनको, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे जो उस प्रेशर को हैंडल कर सके। तो यस क्वेश्चंस तो यस वो बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको डाउट में डालना शुरू कर देंगे कि आपका ये क्वेश्चन, अगर आपको आता भी होगा तो आपको खुद सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या ये मैं क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेन चीज, और अगर आप इंटरव्यू अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली बात है, चाहे आपका नेट हो और गेट में अच्छा स्कोर नहीं भी हो, तो अगर आपका लेकिन इंटरव्यू अच्छा गया है, क्योंकि रिसर्च अलग चीज है और एग्जाम्स को पास करना एक कम्प्लीटली अलग चीज है, बिल्कुल 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 ये तो एक तो केवल अगर एक आप, एडमिशन का प्रोसीजर में एक इन्वॉल्वमेंट है, क्वालिफिकेशन है, बाकी मेन पोर्शन बिल्कुल आपका इंटरव्यू है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे JRF भी होते हैं जो इंटरव्यू नहीं अच्छा दे पाते क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका JRF है तो वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको ले ही लेंगे। यस यस मेन चीज आपकी डिपेंड करती है कि हाँ JRF और नेट है कि अगर आपका, तो एक आपको एडवांटेज मिल जाता है जस्ट कि हाँ आपका क्वालिफाई है तो आप शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे। लेकिन यस शॉर्टलिस्टिंग के बाद, क्योंकि सारे ही वहां पे, चाहे नेट होंगे चाहे JRF होंगे, वो सारे वही होंगे, अब उनमें से चूज करना, वो तो वही चूज करेंगे जो उस टाइम पे उस प्रेशर को, चाहे वो आधे घंटे का इंटरव्यू ले, चाहे 20 मिनट्स का, चाहे 1 आवर का, तो वो देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में कौन उस प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल कर पाया, या किसने उस प्रेशर में आकर भी क्वेश्चंस जो आंसर किए वो सही रिप्लाई किया। चाहे आप गलत भी रिप्लाई करो,
ये चीज होनी चाहिए माइंड में कि आप कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई कर रहे हो, हाँ ये नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एकदम से ब्लैंक आउट हो जाओ। चीज ये होनी चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, यू जस्ट सिंपली से आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस टू दिस क्वेश्चन, और वो आपको अल्टीमेटली वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। बट अगर आप ब्लैंक हो जाओगे और क्वेश्चन के आंसर देना बंद कर दोगे और कुछ भी नहीं रिप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली दे विल फील के आप उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते, हाँ एग्जैक्टली और सबसे यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। एलिजिबल फॉर दैट सिचुएशन ना. बिल्कुल यस 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 ओके ओके. सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि यदि किसी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है पीएचडी के अंदर रिसर्च के अंदर, तो जी, उसे बिगनिंग एमएससी के साथ किस प्रकार से अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? भैया मेरा मानना है कि सपोज अगर आप एमएससी के बाद आपका पहले से ही प्लान है कि आपको पीएचडी में जाना है, तो यस बेसिक सिंपल एमएससी करने से आजकल कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा आपको एमएससी मिलेगा आजकल। तो अगर आप बिल्कुल उसको तो अगर आप करना ही चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप पीएचडी करो, तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट आप फर्स्ट सेकंड सितंबर सॉरी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो आप पूरा ये फोकस कीजिए कि आपको जो एमएससी में पढ़ा रहा है आप उसी पे फोकस कीजिए, लेकिन थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आप खुद ही नेट या गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप कोचिंग में वहां उस टाइम पे एनरोल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो आपका एकेडमिक चल रहा है वो ही इतना ज्यादा हेक्टिक होता है एमएससी का कि आप कोई और चीज नहीं पढ़ पाते। बट बिल्कुल मेरा मानना यह है कि अगर आप थर्ड या फोर्थ सेम में ही नेट गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे ही आपकी एमएससी खत्म होगी तो आप इजिली उस अगर आप नेट गेट को उसके बाद भी कंटिन्यू करते हो तो आप इजिली क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम। और मेरा मानना यह है कि अगर आपकी एमएससी के बाद एक टाइम पीरियड जो है वो अगर आपका ऐसे ही निकल जाता है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका नेट गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक नेगेटिविटी माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाती है कि यस अब होगा कि नहीं होगा। एक ईयर का टाइम पीरियड निकल जाना इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है तो सबके 1.5 ईयर तो ऐसे ही चले गए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये होना चाहिए कि आप इतना टाइम वेस्ट ना कर दो आपकी एमएससी के बाद के मतलब अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हो तो आपके 2-3 साल के बाद आप पीएचडी हो, तो ये आपकी एज तो निकल जाएगी, यस यस वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेरा मानना है कि आप एमएससी के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर दीजिए कि आपको करना क्या है एक्चुअली। अगर आपको पीएचडी में जाना है तो आप पहले से स्टार्ट कर दीजिए, और पीएचडी में जाने के लिए आपको गेट या नेट ये तो मतलब एक एलिजिबिलिटी है कि अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी ही है, तो आप उसकी जो इन सब की इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो एमएससी में स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो कंप्लीटली मतलब एमएससी से अपने को अपने दिमाग का मतलब मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर होना जरूरी है यदि रिसर्च आगे पीएचडी वगैरह में रहना है तो. बिल्कुल भैया बिल्कुल ओके देखो क्योंकि बिकॉज क्योंकि आजकल रिसर्च में भी कंपटीशन अच्छा खासा बन रहा है, इंटरेस्ट काफी इंक्रीमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स का रिसर्च के एरिया में भी, ऐसा नहीं है. भैया। अब तो आप मतलब अगर आप पहले होता था कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, क्योंकि कुछ लोगों का क्वालिफाई होता था, तो आप सोचते थे कि नहीं अब आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगी, लेकिन यस यस आजकल जेआरएफ भी बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई है और वो सभी अप्लाई करते हैं रिसर्च के लिए। तो अब उनमें से भी अगर आपको सिलेक्ट होना है तो डेफिनेटली आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो थ्योरी डेफिनेटली हो चाहे प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तो सारे ही यस क्वालिफाई करके ही आएंगे वहां। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट. ओके सो सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीट, जितने भी थी क्वेरीज वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स के लिए. आईआईटी जम्मू एक न्यू आईआईटी था 2017 में डेवलप हुआ है, तो कई क्वेश्चंस क्वेश्चंस थे बच्चों के कि किस प्रकार का वहाँ पर एनवायरनमेंट है, किस प्रकार की फैकल्टी है, किस प्रकार का रिसर्च है, किस प्रकार का इक्विपमेंट लेवल है वहाँ पर. सो कंप्लीट चीज और कंप्लीट उनका एक डाउट सेशन था वो कंप्लीट हो चुका होगा. सो नाउ रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस का एक गेम अपन आप लोगों के साथ खेलते हैं. ओके सो क्विकली आंसर ओके देने का, इट इज ओके भैया सिंपल क्वेश्चंस, ऑल आर सिंपल क्वेश्चंस. ओके यू आर ओके रेडी? भैया यस यस ओके गुड. सो फर्स्ट सनसेट सनराइज. सनसेट ओके टेक्सिंग एंड टॉकिंग. एक्सटिंग ओके टेक्सिंग. बॉलीवुड एंड हॉलीवुड. हॉलीवुड ओके लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज कम लव अरेंज कम लव.
मतलब दोनों ही है। ओके, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल ओके, विच इज योर फेवरेट केमिकल एलिमेंट एंड विच केमिकल एंड व्हाई? भैया, मेरा फेवरेट है कि कार्बन, बिकॉज इट्स वेरी कार्बन। फ्रेंडली, ओके, अच्छा, इट ओके, इट इज बॉन्ड वेरी विद फ्रेंडली। एवरीवन, इट बॉन्ड विद एवरी अदर एलिमेंट. ओके ओके, एंड केमिकल्स? केमिकल्स में मैं प्रेफर करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज उनके भी बहुत डेरिवेटिव्स होते हैं. या बहुत ज्यादा भी बहुत डेफिनेटली फ्रेंडली है. डेफिनेटली, इट इज आल्सो लिंक्ड विद कार्बन। ओके, यस, क्रिकेट एंड बैडमिंटन? क्रिकेट, ओके, नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम? पिकाशो, उसके ऊपर सब कुछ फ्री मिलता है. थ्री। ओके, एंड लास्ट, टीवी एंड यूट्यूब? सॉरी भैया, मुझे सुनाई नहीं दिया. टीवी और यूट्यूब? यूट्यूब. ओके, थैंक यू। ओके सो भैया, थैंक यू सर. लास्ट फ्यू वर्ड्स टू ऑल केमी चैनल स्टूडेंट्स के लिए, एनी सजेशंस एंड एनी मैसेज? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द कोचिंग, और इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दैट कोचिंग, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्लियर ड्यूरिंग योर एमएससी, एंड If you are doing that preparation, make it's not necessary कि आप तीनों subjects को लेके चलो. यस, मेरा मानना है कि अगर आप दो if you अगर आपको गेट करना है तो डेफिनेटली आपको तीनों subjects को लेकर चलना पड़ेगा. और लेकिन अगर आप नेट को अगर आपको JRF करना है, तो अगर आप कितनी भी दो subjects को अच्छी तरह पढ़ते हो, इतनी अच्छी तरह पढ़ते हो कि आपको थर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े. जैसे मैं ऑर्गेनिक बिल्कुल टच नहीं करता हूँ एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो अगर आप वो दो सब्जेक्ट भी अच्छी तरह पढ़ लेते हो, तो आप वो इतनी अच्छी तरह पढ़ो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको इजीली कर सको. और यस, अगर आप बाकी प्रिपरेशन के लिए द अल्केमी चैनल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. अगर आपको नए क्वेश्चंस करने हैं तो आप बिल्कुल ये देखिए, क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है कि जैसे ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत सारे चैनल्स थे बट वो रिपीटेड वही क्वेश्चंस करवा रहे थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में थे, ओके, तो यस, उनका का कोई फायदा ही नहीं है. मतलब क्योंकि आप और देर उनका बेनिफिट जरूर है, लेकिन एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि आपको तो आंसर्स भी लर्न हो गया है, तो आप उन क्वेश्चंस को करने का क्या फायदा. तो जब हाँ, तक आप वो नए क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको वो प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपका दिमाग नहीं दौड़ना शुरू करेगा इन चीजों में, नए कंसेप्ट में, तब तक उस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट के अल्केमी चैनल जो है वो उस फील्ड में स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करता है. और ये नहीं कि मैं इस चैनल पे हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलरली इस चीज के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद फील किया है. यस जिस यस, तरह से आप हेल्प करते हो वो बाकी आई डोंट थिंक कि बाकी उस तरह से हेल्प करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स, के आप एलकेमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इनके लेक्चर जरूर फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होंगे. और ये मेरे पीएचडी के टाइम में, क्योंकि मैं कोर्स वर्क भी कर रहा था तो इतना हेक्टिक था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैनल आई वॉज एबल टू क्रैक द JRF एग्जाम. ग्रेट। ये तो बहुत ही बड़ी वाली बात कह दी आपने। नहीं, ये तो सच बात है भैया, क्योंकि उस टाइम पे आपने कोचिंग, मैंने कोचिंग ले ली हुई थी, अब वो कोचिंग के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था मेरा, तो यस बट यस यस, एक जरूरत थी कि कोई ऐसा चैनल हो जो मेरे डाउट्स या मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कंसेप्ट लैग कर रहा है कहीं पे, वो हेल्प या कर सके. और द अल्केमी चैनल ने मुझे वो हेल्प की, सो थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम वेलकम। सो थैंक यू सो मच राहत फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड लवली लवली वेलकम ऑलवेज एंड ऑलवेज, थैंक यू सो एंड मच भैया, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच, तो एंड थैंक यू सो मच ऑल द प्लेजर. स्टूडेंट्स एंड वॉचिंग दिस वीडियो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर एवरी वन, सीएसआई नेट गेट स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो रिसर्च स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड लक।